दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में शिक्षक की सपना पालने वाले 90,000 अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी अब लगभग समाप्त होने वाली है। माना जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय से आदेश मिल जाने के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर महीने में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 30,000 तो मध्य विद्यालय में करीब 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारी में जुट गया है। उच्च न्यायालय से आदेश मिल जाने के बाद शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगा। आपको बताते चले कि पिछले साल जुलाई 2019 में शिक्षा विभाग ने करीब 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में खाली पड़े 94,000 जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए 30,020 पदों पर नियोजन शुरू हुआ था। अब प्रारंभिक शिक्षकों में से प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की राह काड़ो रात दूर हो चुका है। न्यायालय के आदेश के अनुरूप पहली से पांचवी कक्षा के करीब 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति डीएलएड और बीएड योग्यताधारियों की संयुक्त मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। यह सूची 28 नवंबर तक बन जानी थी। विभाग ने इसको लेकर आदेश भी दे दिया था। न्यायालय के आदेशानुसार पहली से पांचवी कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली के लिए डीएलएड और बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की संयुक्त मेधा सूची सभी जिलों के एनआईसी की वेबसाइट पर शनिवार तक अपलोड करनी थी। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कक्षा 6 से 8 यानी माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची जिलों के एनआईसी की वेबसाइट पर 28 नवंबर तक ही अपलोड करने का आदेश दिया था। हालांकि मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का पेच अभी समाप्त नहीं हुआ है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर माह तक न्यायालय से आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही बिहार में 90,000 शिक्षकों की बहाली करेगा। तो अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना अगर बिहार में पाले हुए हैं, जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनने को लेकर बिहार में सपना पाले हुए हैं, उनके लिए दिसंबर माह कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर आ रहा है। और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में 90,000 शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। बस केवल न्यायालय के आदेश का इंतजार है। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सब...